आप देख रहे हैं जनता दरबार और मैं आपके साथ ज्योति राघव। राजस्थान का चुनावी रण कई विधानसभा सीटों पर बड़ा रोमांचक होता नजर आ रहा है। राजस्थान की सबसे बड़ी विधानसभा झोटवाड़ा में भी मुकाबला कांटे का माना जा रहा है। हालांकि भाजपा ने यहां से अपने चिर परिचित प्रत्याशी और पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को चुनावी मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने अपने युवा चेहरे और NSUI के प्रेसिडेंट अभिषेक चौधरी पर भरोसा जताया है। राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव लड़े कर्नल राज्यवर्धन को अभिषेक चौधरी चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। जगह जगह अभिषेक चौधरी का भव्य स्वागत किया जा रहा है और सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है। यादवों में पेट रखने वाले नेता हरीश यादव की टीम ने शनिवार को अभिषेक चौधरी का भव्य स्वागत किया और उन्हें सिक्कों से तोला गया। अभिषेक चौधरी ने कहा कि ये छात्र राजनीति में भी निरंतर सतर्क रहते हुए नजर आ रहे हैं। अभिषेक चौधरी ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस ने जो विकास कार्य किया है, जो योजनाएं कांग्रेस लाई है, उनके फर्म पर जनता का भरोसा जीता है और यही उनका सबसे बड़ा जन आधार होगा। इसके साथ ही अभिषेक चौधरी ने मेजर शैतान सिंह को नमन किया। अभिषेक चौधरी का कहना है कि जो भी मतदाता है वो सिर्फ मतदाता ही नहीं बल्कि भाग्य विधाता है और यह महज चुनाव नहीं अदालत बन चुका है। इस जनता की अदालत में अभिषेक चौधरी कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में आप सबके सामने आशीर्वाद मांगने के लिए आए हैं। सभी विधानसभाओं के विकास की बात करें तो सबसे ज्यादा विकास दूसरे नंबर पर झोटवाड़ा विधानसभा के अंदर हुआ है। कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश को एक सशक्त सरकार दी है और राजस्थान को विकासशील बनाया है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं और खबरों के साथ। अब तक के लिए देखते रहिए जनता दरबार, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।